मुनिडी ओपी में मंगलवार को ओपी प्रभारी रोशन बाड़ा को नम आंखों से विदाई व नए प्रभारी सालू हेमरम का स्वागत किया गया। उपस्थित लोगों ने उन्हें शॉल उड़ाकर और बुक्के देकर व गाजे बाजे के साथ पहुंचे युवा पीढ़ी ने बुक्के देकर उन्हें भावपूर्ण विदाई दी। रोशन बाड़ा की विदाई और नए ओपी प्रभारी सालू हेमरम के स्वागत समारोह में शामिल जनप्रतिनिधि, शांति समिति सदस्य, गणमान्य एवं उनसे प्रशिक्षण प्राप्त भारी संख्या में शामिल युवा पीढ़ी सभी की आंखें नम दिखी। अपने संबोधन में श्री बाड़ा ने उपस्थित लोगों युवा पीढ़ी से मिले सम्मान को आजीवन याद रखने की बात करते हुए कहा कि हमारी सेवा हमेशा आपको मिलती रहेगी। नए ओपी प्रभारी सालू हेमरम ने आगे भी श्री बाड़ा की कार्यशैली को जारी रखते हुए पूर्व की भांति ही सहयोग की अपील की। विदाई व स्वागत समारोह में शांति समिति के सदस्य, ग्रामीण युवा युवती, विभिन्न पंचायत के मुखिया व पंचायत समिति के सदस्य, विभिन्न पार्टी के राजनेता उपस्थित हुए। आज जैसा कि हम सभी देख सकते हैं कि हमारे जो मुनिडी के ओपी प्रभारी हुआ करते थे श्री रोशन बाड़ा सर की विदाई समारोह है, साथ साथ नए प्रभारी जो आए हुए हैं सोला हेमरम जी का स्वागत समारोह में आज जो मुनिडी के जनप्रतिनिधियों के साथ साथ नौजवान है कि हमारे जो प्रभारी महोदय जो हुआ करते थे रोशन बाड़ा जी, उनके क्रियाकलाप कुछ इस कदर में थे कि पुलिस और पुलिस की जो वर्दी से नौजवान डरते थे, आज के डेट में ऐसा हो गया कि विजय समारोह से लेके सभी चीज में नौजवान ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेंगे। उनके द्वारा सिखाए हुए आदर्शों को मान के बहुत नौजवान युवक युवतियों ने नियोजन तक पाया सरकारी काम में। नौजवानों को साथ मिलकर उनके मतलब